नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं जॉब अश्योर एसएससी सीजीएल जो टायर 3 प्रोग्राम है, उसको पार्ट 3 हम लोग बोलते हैं, उससे रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हम ऑलरेडी एक बड़े लेवल पे प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल टायर 3 की करवा रहे हैं और उसमें बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट्स ने जो फर्स्ट राउंड था या आप बोल सकते हैं फर्स्ट बैच था उसमें ज्वाइन किया था। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी तक तैयारी नहीं की है और या स्टार्ट नहीं किया है और वो तैयारी करना चाहते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि टायर 3 का एग्ज़ाम देना है और अभी तक तैयारी नहीं की है या थोड़ी बहुत तैयारी की है या सिर्फ कुछ किताबें पढ़ी हैं जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं थी, उनके लिए 7th जैन से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और इस नए बैच में वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आप बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, कंप्लीट पैकेज फॉर टायर 3 ये होगा। अब आता है कि टायर 3 में होगा क्या क्या। वैसे तो आप जानते हैं लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से एक बार फिर बता देता हूं कि एसएससी ने इंटरव्यू की जगह पे, पहले इंटरव्यू होता था, अब टायर 3 करना स्टार्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्टिव या रिटन टेस्ट है वो करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि जो लूपहोल चल रहे थे उनको खत्म किया जा सके, एक ये ऑब्जेक्टिव। और दूसरा ऑब्जेक्टिव जिससे कि बेटर स्किल स्टाफ मिले, क्योंकि इंग्लिश अच्छी होना, मैथ अच्छा होना सिर्फ इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपको बेटर क्वालिटी स्टाफ आ सकता है। अगर स्किलफुल स्टाफ चाहिए जिसमें राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो, ईमेल अच्छी लिखना जानता हो, वो रिपोर्ट अच्छी लिखना जानता हो, लेटर अच्छा लिखता हो, ये भी रिक्वायरमेंट होती है एक ऑफिसर क्वालिटी में। एक अच्छे ऑफिसर के लिए ये भी एक क्वालिटीज में आएगी और ये होनी चाहिए। टायर 1 और टायर 2 तो वो नॉलेज और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, इंटेलिजेंस लेवल है वो कितना है वो भी चेक करते हैं, प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म विद इन टाइम फ्रेम, ये चेक करते हैं टायर 1 और टायर टू। बट अबाउट 2 टायर कैन नॉट टेस्ट राइटिंग स्किल्स, हाउ वेल ए पर्सन कैन राइट ईमेल, कैन ड्राफ्ट नोट्स, ब्रीफिंग, लेटर, सर्कुलर, इंटरनली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अगर ये जानना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक ऐसा टेस्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो एसएससी ने किया है टायर 3 के लिए। और टायर 3 का जो सिलेबस है वो क्या है, साफ साफ ये लिखा हुआ है टायर 3 का सिलेबस, पेन और पेपर मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ये दोनों में से किसी एक में आप लिख सकते हैं, और ये एसे भी हो सकता है, प्रेस राइटिंग भी हो सकती है, लेटर राइटिंग भी हो सकती है, एप्लीकेशन राइटिंग भी हो सकती है और एटसेट्रा, इसमें सब कुछ आ जाता है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि रिटन, जो रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमने 12th तक जो टूल्स पढ़े थे, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो या एसे राइटिंग हो या प्रेस राइटिंग हो, जो भी हमने टूल्स पढ़े वो कुछ भी उसमें से आ सकता है, ये एसएससी का सिलेबस बोलता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 1 घंटे का एग्जाम होगा 60 मिनट का। और जो फाइनल मेरिट होगी उसमें इसकी काफी ज्यादा भूमिका होगी, क्योंकि जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स इसमें बहुत अच्छा स्कोर करेगा, फॉर एग्जाम्पल 100 में से अगर कोई करता है 70 और दूसरा करता है 50, टायर 1 टायर 2 दोनों में नंबर बराबर थे, तो जो 20 का गैप है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गैप होगा। और 20 मार्क्स अपने आप में जहां पे एक या दो नंबर बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, 20 मार्क्स का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आपको निर्णायक साबित होगा। अब आता है कि इसमें जो एक नोटिफिकेशन आया था उसमें एक लिखा हुआ है कि 250 वर्ड्स का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें एसे राइटिंग होगा या पैसेज होगा, एसे और पैसेज, यहाँ पे पैसेज से मतलब प्रेस राइटिंग भी हो सकता है और पैराग्राफ राइटिंग भी हो सकता है और एसे राइटिंग भी हो सकता है। आप बोल सकते हैं मोटे तौर पर आपको ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है कि एसे आएगा या लेटर आएगा, कुछ भी आ सकता है, ये आपको ओपन होना चाहिए, दिमाग में ये सब ओपन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब का ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है कि आपकी स्किल टेस्ट करना है कि आप कितना सोच सकते हो और लिख सकते हो,
एप्लीकेशन राइटिंग अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स, मोटे शब्दों में 400 से 500 वर्ड्स है वो एक घंटे में आपको लिखने हैं, इसका टेस्ट होगा। और आपकी क्वालिटी थिंकिंग है उसका टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर थ्री वुड बी 33%, मतलब कि मेरिट में काउंट होंगे लेकिन अगर 33% से कम आए तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो। टायर वन और टायर टू में आपकी परफॉर्मेंस है कितने भी अच्छी क्यों ना हो, अगर टायर थ्री में अगर आपकी परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाती है तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हो। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में होगा और ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में यह होता है कि कुछ ने वो फेल किसी को नहीं करेंगे। मैं ये बोलता हूं कि इस बात को दिमाग से निकाल दो, फेल नहीं करेंगे। एक तो ये बात है, क्यों है, हमने इस दौरान जो अभी चल रहे हैं टेस्ट सीरीज और ये टायर थ्री प्रिपरेशन, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के हमने ऐसे देखे और लेटर राइटिंग देखी और हमें लगा कि उनमें से दो चार स्टूडेंट ऐसे जरूर थे जो कि बिल्कुल जीरो नंबर दिए जा सकते थे। आपके दिमाग में होगा क्या उन्होंने कुछ नहीं लिखा, नहीं, उन्होंने ज्यादा लिखा। मतलब मैं वर्ड लिमिट से ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं कि जो बिल्कुल भी किसी को नहीं लिखना चाहिए, मतलब अगेंस्ट द लॉ लिखा। जैसे कि एक कोई लेटर राइटिंग था सेक्सुअल हरेसमेंट के ऊपर, कोई जवाब देना था और वो सेक्सुअल हरेसमेंट को जस्टिफाई कर रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है, जबकि आपके ऊपर आरोप साबित हो चुका है कि आपको सेक्सुअल हरेसमेंट में दोषी पाया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वुमेन डिग्निटी है वो आपके माइंड में नहीं है और ऐसे हालात में आपको अनफिट घोषित किया जाता है उस जॉब के लिए। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। एक तो और ऐसे एक ऐसे में कहीं किसी स्टूडेंट ने लिखा, उसमें कोई या लेटर राइटिंग था जो नेशनल फ्लैग है उसके रिस्पेक्ट से रिलेटेड कहीं बात चल रही थी उसमें, तो उसको ये शायद समझ नहीं है कि डिसऑनर ऑफ नेशनल रिस्पेक्ट है वो एक क्राइम है, ऑफेंस है वो, और उसके लिए सजा मिल सकती है, 6 महीने की सजा हो सकती है। मतलब कि जो ऑफेंस होता है उसको सपोर्ट करना वो आपके क्रिमिनल माइंड को जस्टिफाई कर रहा है, आप उसको अगेंस्ट द लॉ चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप रिजर्वेशन टाइप की चीजों को लिखते हैं और उसमें आप किसी कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी भावनाओं के खिलाफ हो, तो वो भी लॉ के अगेंस्ट है। यहां पे मोटे शब्दों में ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप लॉ के अगेंस्ट लिखते हैं और साफ साफ आपके लॉजिक से ये साबित होता है कि आप लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहे और इसके अगेंस्ट बातें लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ऑफिसर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हालात में आपकी राइटिंग स्किल्स की बजाय आपका जो मॉरल वैल्यू और इथिकल स्टैंडर्ड है और वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, इस हालात में आपको वो जॉब से बाहर करवा सकता है, जीरो नंबर दिया जा सकते हैं और यहां तक कि आपके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया जा सकता है ऐसी भावनाओं को लिखने के लिए। तो ध्यान रखें कि इस गलत फहमी में नहीं रखें रहें कि वो आपको 33% तो देगा ही देगा, वरना ये लिखने की क्या जरूरत थी कि क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 33% चाहिए, ये लिखने की तो जरूरत भी नहीं होती। और कम से कम 10% से के आसपास ऐसे स्टूडेंट जरूर होंगे जिनके इतने नंबर नहीं आएंगे, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो मेंटली एक फिट ना होना जॉब के लिए, वो सबसे बड़ा रीजन होगा कि वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं है जॉब के लिए। मैथ में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, टायर वन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, टायर टू में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ब्रिलियंट है, लेकिन वो फिर भी जॉब के लिए अनफिट है क्योंकि साइकोलॉजी उसकी क्रिमिनल टाइप की साइकोलॉजी है। जो लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं उनका माइंड बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन वो समाज के लिए घातक होते हैं। तो सिमिलरली आपकी ये टेस्टिंग भी हो रही है, इसका ध्यान रखिए। पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, पार्शियल आप राइटिंग नहीं कर सकते, हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, या ऐसे हिंदी में लिख दिया, राइटर लेटर राइटिंग इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। आपका मेच्योरिटी का लेवल भी होना चाहिए और ये लैंग्वेज पे भी कमांड होना ये जरूरी है। पहले एसएससी की जो टेंटेटिव डेट थी टायर थ्री के लिए वो थी 15 जैन, क्योंकि टायर टू में कुछ एक सेंटर पे अच्छे ढंग से एग्जाम नहीं हुआ, उसके कारण एसएससी को कुछ एक सेंटर्स पे दोबारा टेस्ट करवाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब 12th
और 13 जनवरी को दोबारा टेस्ट है। इससे ये मतलब निकलता है कि 15 जैन को ये टायर 3 का टेस्ट नहीं होने वाला, वो आगे होगा। और आगे कब होगा, क्योंकि 12 और 13 जिनको एग्जाम होगा उनमें भी इस बात की संभावना हो सकती है कि एक दो सेंटर में फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि जो क्राइम करने वाले हैं वो भी बड़े आगे होते हैं। एसएससी भी अपनी तरफ से हो सकता है कोशिश पूरी करे, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ करने के लिए तैयार होते हैं, या कुछ एक सेंटर ऐसे होते हैं जहां पे कि इतनी एबिलिटी नहीं होती वो टेस्ट कंडक्ट करवा पा रहे हैं ढंग से, तो किसी कारणवश भी ये भी हो सकता है वहां कुछ गड़बड़ हो जाए और एक बार फिर किसी सेंटर में दोबारा टेस्ट करवाना पड़े। तो ऐसी हालात में, और जब ये 12 और 13 को जो टेस्ट होगा उसके बाद सभी का एसएससी को क्वेश्चन पेपर रिलीज करना पड़ेगा। एसएससी की क्वेश्चन पेपर रिलीज होने के बाद कुछ जो गलत क्वेश्चन थे या स्टूडेंट से रिप्रेजेंटेशन मांगा जाएगा कि अगर बताओ आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, आप कोई चीज डिफरेंट देख रहे हैं, तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन भेजने का टाइम लेंगे, इसमें भी 3-4 दिन चले जाएंगे। उसके बाद एसएससी टायर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और एग्जाम है फिर उसके बाद कंडक्ट होगा। हो सकता है टायर ये एग्जाम की डेट पहले अनाउंस की जाए, लेकिन एग्जाम जहां तक मैं समझता हूं वो फरवरी की तरफ बढ़ रहा है। जनवरी में एसएससी के लिए टायर 3 का एग्जाम करवाना अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सीएचएसएल के एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो फरवरी के 10th फरवरी के आसपास ये डेट जाने की पूरी पूरी संभावना होगी, हो सकता है इससे भी आगे चली जाए। तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को एक नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, या जिसने स्टार्ट नहीं की है, और एक एक नंबर बहुत ज्यादा, एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा करियर के लिए। वो आखिरी स्टेज है ये, इसमें बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए, मौका नहीं खोना चाहिए। तो अभी टाइम है लगभग 1 महीने से के आसपास या उससे भी ज्यादा, और इसमें अच्छी ढंग से तैयारी हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड टायर 3, इफ एन एम्प्लॉय कैन राइट क्वालिटी ईमेल्स, इफ एन एम्प्लॉय ए मेंबर ऑफ द स्टाफ कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एन एम्प्लॉय कैन मेक इफेक्टिव रिपोर्ट्स, या आप बोल सकते हैं उसकी जो थॉट्स प्रोसेस है वो बहुत साउंड और हेल्दी और एक ऑफिसर की क्वालिटी वाला होना चाहिए, और राइटिंग स्किल्स में उसका ये झलकना भी चाहिए। ये भी मैं ऐड कर रहा हूं कि आप जो कंटेंट लिखते हैं वो बच्चों वाले कंटेंट नहीं होने चाहिए, या अनइथिकल और जिसमें मॉरल वैल्यू झलकती है नहीं झलकती, वो ऐसे कंटेंट आपके अप्रिशिएट नहीं किए जा सकते हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के खिलाफ हैं उसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं एसएससी करेगी। इसलिए जो टायर 3 की तैयारी कर रहे हैं उसमें इन बातों का भी जरूर ध्यान रखना होगा। कैन एरर स्पेलिंग मिस्टेक स्पॉइल गुडविल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैंने जो टायर 3 की पहले एक प्रेजेंटेशन बनाई थी और उसमें कुछ एक एग्जांपल था कि किस तरह से क्वालिटी एम्प्लॉई न होना सरकार को घातक साबित हो सकता है, उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं इस प्रेजेंटेशन में कि वो गवर्नमेंट को इसलिए भी चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट की इमेज भी बेटर बने। जब आप तैयारी कर रहे हैं टायर 3 की, अब आपको गाइड करने वाले बहुत सारी दुनिया आएगी। दिस एग्जाम टेस्ट राइटिंग स्किल्स, थॉट्स, एबिलिटी टू एसिमुलेट आइडियाज, एक्सप्रेशन थॉट्स, और कुछ आपको बोलेंगे कि आप हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दो, फ्रंटलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो, योजना भी पढ़ो, पीडी भी पढ़ो, इंग्लिश न्यूज भी देखो, पता नहीं क्या क्या क्या, क्या पढ़ो, और मायने याद, मीनिंग्स याद रखना स्टार्ट कर दो, स्पेलिंग याद रखना स्टार्ट कर दो। लेकिन आप न तो 1 महीने में आप अपना नॉलेज को बहुत ज्यादा ग्रेट बना सकते हैं, और न ही इतने नॉलेज की जरूरत है। आपका ये जो पढ़ने का रोल है बहुत लिमिटेड या न के बराबर होगा, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक देता हूं सेल्फ डिसिप्लिन पे, आपको ऐसे लिखना है, बताइए कि कौन सी इंग्लिश न्यूज है, कौन सी योजना है, कौन सी हिंदू है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन पे वो 1 महीने में आपको वो ऐसे लिखना सिखाएगी। ऐसे ही राइटिंग लिखना हिंदू नहीं सिखाने वाला, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बेटर राइटिंग एसएससी के लेवल के हिसाब से वो कौन से ऐसे था या कौन सी लेटर राइटिंग थी जिसमें हमें उसकी तरफ सोचना होगा। दिस इज नॉट यूपीएससी मेन जनरल स्टडीज, तो इसलिए इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें मिस गाइड मत हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट है ये धुआंधार पढ़ रहे हैं और जिनकी की, और जब लिखने की बात आती है तो उनसे एक पैरा भी नहीं लिख पा रहे हैं, एक लाइन लिखने में भी दिक्कत आ रही है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ये स्किल्स इंप्रूव कैसे होगी।
तो टायर थ्री जो हमारी प्रिपरेशन होगी वो इसी पे आधारित होगी कि आपको क्या करें तो बेटर राइटिंग लिख सकते हैं। यू कैन गिव हिंदी और इंग्लिश मीडियम एग्जाम, जैसे मैंने बताया यू कैन गिव दिस एग्जाम इन हिंदी और इंग्लिश, तो इसलिए कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है या आपको हिंदी इंप्रूव करनी है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको अपने थॉट्स को व्यक्त करना है, ये बड़ा मुद्दा होगा, बट नॉट इन इंग्लिश। आप दोनों भाषाओं में नहीं दे सकते। स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर इंग्लिश, ये हम लोग एडवाइस करते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप हिंदी में बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो आप हिंदी में जरूर लिखिए, लेकिन इंग्लिश में लिखने के कई फायदे होते हैं, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है जो एसएससी का होगा उसको इंग्लिश जरूर आती मिलेगी, इस बात की संभावना काफी ज्यादा है। हिंदी में मात्राएं होती हैं, हिंदी में चेक करने वाला भी बड़े गंभीरता के साथ देखने की कोशिश करेगा कि आप इसने शुद्ध हिंदी लिखी या नहीं लिखी। इंग्लिश में इस तरह की संभावना कम हो जाती है। हिंदी में जो मीनिंग्स ढूंढना है, appropriate meaning जिसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी लिखना वो इतना आसान नहीं होता। हिंदी कैन बी डिफिकल्ट इफ वन डज नॉट हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग इन द रिसेंट पास्ट इन प्योर हिंदी। और अगर 10-12 साल में पीछे जो अगर आपने छोड़ दिया हिंदी लिखना तो एक आसान नहीं होगा हिंदी में दोबारा एंट्री करना। फिर भी आपके ऊपर है, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमने अपनी तरफ से अपनी राय को बता दिया आपको कहां पे जाना चाहिए। स्कोप टू वर्क अपॉन, अगर आपके थॉट्स में क्लैरिटी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अच्छा लिखने के लिए, आइडिया डेवलप करने की एबिलिटी है, प्रॉब्लम डिफाइन करने की एबिलिटी है, प्रॉब्लम डिस्कस करने की एबिलिटी है, और जो प्रॉब्लम दी जाती है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, समरी कैसे लिखनी है, ये सारी चीजें तब आएगी जब आप बार बार उसमें प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही एक इंसान को एक बेटर बनाने की कोशिश करेगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे लगता है 2-3 घंटे भी अगर आप डेली स्टडी करते हैं टायर थ्री के लिए तो वो मोर देन सफिशियंट होगा। इंपॉर्टेंट है कि आप राइट चीज पे फोकस करें। 80% प्रैक्टिस, 20% आप थ्योरेटिकल देख सकते हैं। राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ थॉट विच यू हैव, जो आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो राइटिंग के जरिए कैसे आपको लिखने हैं, यही इसी चीज का टेस्ट हो रहा है। आपके नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है टायर वन और टायर टू में। जो पिनेकल मॉक टेस्ट होंगे सैंपल के रूप में यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो लेक्चर भी है उसके ऊपर, क्योंकि हम हर टेस्ट का एक वीडियो भी बनाते हैं जिसमें कि बहुत अच्छा लिखा है उसका एग्जांपल देते हैं और एक अच्छे या क्या लिखना चाहिए था उस परस्पेक्टिव से भी बताने की कोशिश करते हैं। आपने नूरू मैडम के वीडियो काफी इस पर देखे भी होंगे। तो इसके लिए हमारा जो प्रोग्राम है जॉब अश्योर सीरीज टायर थ्री, जॉब अश्योर SSCCL टायर थ्री, ये प्रोग्राम है जो आपको ज्वाइन करना है। जो स्टूडेंट टायर थ्री की तैयारी करना चाहते हैं और पिनेकल की सपोर्ट लेना चाहते हैं वो जॉब अश्योर SSCCL टायर थ्री ज्वाइन करें। जॉब अश्योर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो डे वाइज एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जैसे कि जॉब अश्योर टायर वन अभी चल रहा है, जॉब अश्योर टायर टू था जो टायर टू के एग्जाम के टाइम था, और अभी जॉब अश्योर थ्री चल रहा है, चल भी रहा है, और 7 तारीख से 7 जैन से दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जॉब अश्योर इज ए सीरीज ऑफ डे वाइज एक्टिविटीज टू वेज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टू इंश्योर सक्सेस। ये टू वे प्रोग्राम होगा, मतलब कि पेपर एवेल्युएट होगा जिससे आपको पता चले कि मैंने कैसे लिखा, कितने मार्क्स हैं मेरे पास मेरे आ रहे होंगे, और आपको जो टॉपर्स के पेपर होंगे वो मुहैया कराए जाएंगे, जिससे कि आप टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, उनमें क्या खास बात है, आपने ज्यादा भी लिखा, आपके कम नंबर आए, टॉपर्स ने कम लिखा आपसे लेकिन उसके ज्यादा नंबर आए, ऐसा क्या हुआ या उसमें क्या खास बात थी, ये सारी चीजें आपके पता चलेगी। ए डे एक्टिविटीज प्रोग्राम विच पुश कैंडिडेट फॉर हायर प्रोडक्टिविटी, दिस प्रोग्राम इज साइंटिफिकली डिजाइन टू एनहेंस रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इन्वॉल्व्स गाइडेंस कि आपको क्या क्या लिखना चाहिए। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स होंगे जिसमें कि थ्योरेटिकली समझाया जाएगा कि ऐसे कैसे लिखने, ऐसे कितने पार्ट्स होते हैं, लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं, कितने टाइप के लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होगा, फॉर्मल लेटर क्या होगा, नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं, प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें गाइडेंस और उसमें सिखाई जाएगी। कितने नंबर आपको लेना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, डे वाइज आपको टेस्ट देने हैं, उसके बाद आपके टेस्ट का इवैल्यूएशन होता है 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के बीच में। स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है साथ में, जिससे कि अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें क्लैरिटी नहीं हो पाई है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल से लेकर। वीडियो लेक्चर्स 40 लेक्चर्स ओवरऑल या उससे भी ज़्यादा आपको
इस पे लेक्चर मिलेंगे जिससे में कि आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं टायर थ्री की बेटर प्रिपरेशन के लिए। फुल एंड टेस्ट 30 टेस्ट होते हैं, फुल एंड टेस्ट जिसके वीडियो भी होते हैं, और ये जो 40 लेक्चर्स है वो इंक्लूडिंग 30 टेस्ट वाले वीडियो हैं उनके उससे रिलेटेड है। असेसमेंट एंड फीडबैक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम टू वे प्रोग्राम बोलते हैं। अगर आपको ये पता चले कि आप कितना लिख पा रहे हैं और कितने नंबर आ सकते हैं, और आप जब टॉपर्स का पेपर देखकर अपने आप को कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं थॉट प्रोसेस कहां पे गड़बड़ चल रहा था। ईच रिस्पॉन्स आंसर शीट विल बी एवेल्युएटेड बाय बलजी ढाका और नीरू मैडम। हम लोग इसका आपके हर लाइन को चेक करेंगे कि आपने कहां पे कितना स्कोर कर रहे हो। फीडबैक एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हाउ टू इंप्रूव विल बी प्रोवाइडेड। टॉपर्स रिस्पॉन्स शीट और वीडियो है उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इंप्रूवमेंट के एरिया को देखने के लिए। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट टेस्ट, जैसे कि आप जानते हैं हेडिंग कैसे लिखते हैं, सब हेडिंग कैसे लिखते हैं, टाइटल कैसे लिखने हैं, या अंडरलाइनिंग कैसे करनी है, कोट्स कहाँ पे लिखते हैं, सैल्यूटेशन क्या होता है, स्पेलिंग कहाँ पे गड़बड़ हो गई है ठीक करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, पैराग्राफ राइटिंग, पैराग्राफ जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रखनी है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डेट्स, डाटा, एड्रेस, रेलिवेंसी। रेलिवेंसी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर 80% स्टूडेंट है टॉपिक से ही भटक जाते हैं। उनको कॉलेज में आदत होती है लिखने की कि कुछ भी लिखो नंबर मिलेंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रेलिवेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आसान काम नहीं होता। टाइम लिमिट में लिखना, वर्ड्स लिमिट, स्पेस यूटिलाइजेशन, फ्लुएंसी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कमांड, टेस्ट टू डिसाइड विच लैंग्वेज यू शुड ऑप्ट, ये सारी जानकारी है आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलेगी। आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। 7 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले आप ज्वाइन कीजिए उसको, आज इमीडिएटली ही ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और 7 तारीख से आपके पास ये सारी चीजें आएंगी। टायर 3 कंप्लीट पैकेज प्राइस ₹1000, उसमें सब कुछ आएगा, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, रूल्स, गाइडेंस, फॉर्मेट और जो भी टॉपिक होंगे और वीडियो लेक्चर्स, ये सारे इसका पार्ट होंगे, इंक्लूडिंग फुल एंड टेस्ट। 30 फुल एंड टेस्ट है हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इवैल्यूएशन भी शामिल होता है। जैसा कि मैं बोलता हूँ टू वे प्रोग्राम है, और अपना इवैल्यूएशन कहाँ पे पहुंचा आप रियल टाइम में आप देख सकते हैं। सेंड अस योर रिटन रिस्पॉन्स शीट थ्रू लिंक प्रोवाइडेड, हम एक लिंक प्रोवाइड करेंगे और उसमें आपको वो स्कैन करके हम सॉफ्टवेयर बताएंगे आपको कैसे स्कैन करना है, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मोबाइल में कैमरा होता है वहां से स्कैन करके सीधा आपको उस लिंक में डालना है, और आपको इमीडिएटली आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो क्यू में स्टार्ट हो जाएगी, लाइन में लग जाएगी, और जैसे ही आपका नंबर आएगा लगभग 24 to 48 आवर्स में नंबर आता है, आप अपना इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद आपको वो जो इवैल्यूएशन हुआ वो सीट वापस आपके पास स्कैन होकर चली जाएगी। जो टायर 3 का प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, जो हमारा ऑनलाइन कोचिंग बैच है 2017-18 वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जो स्टूडेंट होते हैं और जिन्होंने टायर 2 दिया है और टायर 3 में लगता है उनको कि उनका क्लियर होगा, उनको एक्सेस दिया जाएगा टायर 3 के लिए। अगर हार्डर स्टूडेंट है उनके लिए भी एक्सेस होगा, अगर उन्होंने टायर 3 में लगता है उनका सिलेक्शन होगा। टायर 3 या आप सेपरेट से ये पैकेज खरीद सकते हैं, टायर 3 के लिए स्पेशल है ये, इसकी फीस है ₹1000। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है ssccglpinnacle.com, वहां पे जाने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, राइट साइड में आपको ये मिलेगा टायर 3 जॉब इशोर प्रोग्राम, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा instamojo.com, ये हमारा पेमेंट वेंडर है, उस पर आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पे, जैसे कि आपने बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक किया वो आपको पेमेंट के लिए ले जाएगा। इसमें आपको डिटेल भरनी है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आप इसमें डिटेल जैसे भरेंगे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, वहां पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, और जैसे ही आपने पेमेंट की आपको एक ईमेल आएगी जिसमें रिसीट होगी और साथ में उसमें लिखा होगा डाउनलोड फाइल। जब आप डाउनलोड फाइल करेंगे तो उसमें सारी डिटेल, सारा कार्ड होता है हमारा वो आपको मिलेगा, मतलब कि वहीं से सीधा एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम है, सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ प्रोग्राम है, और सीधा आपकी ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक होगी। आपको वहाँ एक लिंक होगा उसमें रजिस्टर कर देना, जिससे कि हमारे पास आपका रिकॉर्ड भी आ जाए ईमेल वगैरह एक बार दोबारा, जिससे कि हम अगर आपको ईमेल भेजते हैं कोई तो आपके पास वो टायर 3 से रिलेटेड ईमेल पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं
एसएससी सीजीएल टायर 3 का एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो और 2017 में बहुत ही अच्छी आपकी जॉब लगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।